2017નો દિવસ એટલે ભારતભરમાં શહીદ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવ્યો હતો. આજના દિવસે યુવાન વયે દેશ ખાતર ભરતસિંહ, રાજ્યગુરુ તથા સુખદેવસિંહ શહીદ થયા હતા. આજના દિવસે ત્રિમૂર્તિને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાસુમન સમર્પિત કરવામાં આવે છે અને બાળપણથી જેમના લોહીમાં દેશદાસ પોતાના માતા પિતા તથા દાદા દાદી તરફથી સિંચવામાં આવ્યું હતું, જેમને સમગ્ર દેશે આજે શ્રદ્ધાંજલિ સમર્પિત કરી છે. ત્યારે કામરેજ તાલુકા આરએસએસ સંઘ દ્વારા શહીદોના માનમાં વિશાળ મશાલ રેલી યોજાઈ હતી. સામાન્ય રીતે ભારતમાં શહીદોને યાદ કરવામાં આવે છે ત્યારે વીર ભગતસિંહ, સુખદેવજી તથા રાજ્યગુરુને અવશ્ય યાદ કરાય છે. બાળપણમાં વીર ભગતસિંહે અંગ્રેજોની કતલે આમ નજરે જોઈ હોય, અંગ્રેજો સામે બદલો લેવાની ભાવના રોમ રોમમાં પ્રસરી ચૂકી હતી. उन्होंने क्या किया, वो सैंडर्स को उड़ा दिया. उसके बाद ये लोग कोई पुलिस के पकड़ में आए नहीं. ऐसा करके और दो तीन चार साल आगे गया तो 1927 में एक घटना बन गई जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग है जानने में. अपने यहां एक भारत सीक्रेटरी था, उसको मॉन्टेग्यू बोलते हैं, भारत का सीक्रेटरी, जैसे अभी चीफ सीक्रेटरी होता है, और वायसराय जैसे अभी राष्ट्रपति होते हैं. वो चेम्सफोर्ड था, तो उसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उसने एक सुधार दिया. सुधार का नाम क्या दिया आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसमें सुधार का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल. अभी सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो लोगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वास्तव में बिल का सारा प्रावधान कैसा था कि भारत की जनता को हैरान परेशान कर देने वाला था. दूसरा क्या था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बिल. तो आपको लगेगा कि तो बहुत अच्छा है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, झगड़ा हो जाए तो समाधान कर देगी, लेकिन समाधान ऐसा होगा कि आपकी सारी संपत्ति अंग्रेज ले लेगा, ऐसा समाधान था वो. तो उसको भारत की जो असेंबली थी उसने भी खारिज कर दिया. तो ये जो चेम्सफोर्ड वायसराय था, इसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इसने कहा नहीं, हमारे पावर से हम इस बिल को मंजूरी दिलवाएंगे. अब ये सब जो क्रांतिकारी थे ये भड़क गए. उसने कहा तुम दिलवाओगे, तुम्हारी हम पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे. तो इन्होंने कहा क्या किया जाए. इन्होंने कहा कि जिस दिन ये बिल को वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा उसी समय हम लोग जाकर के पार्लियामेंट में ब्लास्ट करेंगे. तो ब्लास्ट क्यों करेंगे, तो किसी को मारने के लिए ब्लास्ट नहीं करेंगे, हम ब्लास्ट करेंगे पार्लियामेंट की कार्यवाही को बाधित कर देंगे और समग्र दुनिया का ध्यान ये जो अंग्रेज गलत कर रहा है उसकी ओर आकर्षित करने के लिए करेंगे. तो फिर ये और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाते हैं उसमें पार्लियामेंट में ब्लास्ट करते हैं, बाद में अपनी गिरफ्तारी देते हैं और गिरफ्तारी देने के बाद में इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन मुकदमा चलता है. अभी आपको ध्यान में आएगा कि दूसरे क्रांतिकारी का प्रसिद्ध नहीं हुआ है, ये दिमाग किसका था मालूम है, ये दिमाग था भगत सिंह का. दूसरे क्रांतिकारी किस में मानते थे, डिशो ठार कर दो बस, इनके दिमाग में पहली बार आया. और दूसरा इनका क्या कहना था कि हम लोग जो क्रांतिकारी हैं तो हमको गुंडे मवाली आतंकवादी डकैत ऐसी संज्ञा देते हैं, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और हम कोर्ट में बताएंगे कि हम गुंडे मवाली आतंकवादी और गुंडे नहीं है, हम देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले, देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी है. अब ये आइडिया भगत सिंह का था. तो केवल वो वीर थे, जांबाज थे, इतना ही नहीं, वो बड़े बुद्धिमान भी थे, बहुत चालाक भी थे, बहुत कुशल थे. और दूसरा भी आपको ध्यान में आ गया होगा कि उन्होंने हिंदुस्तान नौजवान सभा बनाई तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर भी थी, उनकी संगठन शक्ति भी बड़ी व्यापक थी वो. अब ये घटना हो जाने के बाद में उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया. अभी उनको फांसी की सजा नहीं हुई है, अभी उनको किसकी सजा हुई है, आजीवन कारावास की, कि वो पार्लियामेंट में बम फोड़ा इसलिए. अभी इस बीच एक दूसरी घटना घट जाती है, ये 1929 में घटना होती है. ये घटना क्या होती है कि ये सारे जो क्रांतिकारी होते हैं ये अलग अलग जगह बम की फैक्ट्री चलाते होते हैं. अभी वो एक सहारनपुर में और एक लोहार के पास में है, ये इनकी बम की फैक्ट्री पकड़ ली जाती है और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों की धरपकड़ होती है. फिर उनको पुलिस टार्चर करती है कि बोलो तुम्हारे साथ और कौन कौन इन्वॉल्व है. પ્રસંગે કામરેજ આરએસએસ શાખાને રિટાયર્ડ આર્મી મેન જયસુખભાઈ બાંભણિયાને પણ પ્રસંગોપાત સન્માનવા સાથે સાંભળવાનો મોકો મળ્યો હતો. સાન્ડર્સ કી હત્યાકાંડમાં ઓર કૌન કૌન શામેલ થા યે સબ પૂછતે હૈ ને. ઇસમે જો એક ઘટના બની હૈ વો ઘટના મેં યુવાઓ કે લિયે બતાતા હું. યુવા કા શરીર કૈસા હોના ચાહિયે, કમજોર યા મજબૂત ભાઈ, મજબૂત. लेकिन दुर्भाग्य से उसमें एक ऐसी घटना हो गई कि एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था नानी जय गोपाल. तो
तो ये पुलिस वाले क्या करते थे कि ये सारे क्रांतिकारियों को पंजाब की ठंडी में नंगा करके चड्डी भी निकाल देते थे और उसको बर्फ की सिल्ली पे लिकाट के जबरदस्त मारते थे और नमक और मिर्चा भी उसके घाव पे डालते थे। और जब अंदर वाला एक टार्चर हो रहा होता था तो एक खिड़की से दूसरे क्रांतिकारी को दिखाते थे कि अब तेरा नंबर आने वाला है, इसलिए तू बता दे कि तेरे साथ और कौन कौन। किसी क्रांतिकारी ने अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन ये जो नानी जयगोपाल था ये शरीर और मन से कमजोर था, इसलिए इसने जो अंदर का दृश्य देखा तो इसने सब लोगों के नाम बता दिए। अब वो गवाह बन गया, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सबके खिलाफ जो गवाही देने वाला कौन है? वो नानी जयगोपाल। ये घटना इसलिए बता रहा हूं, वो अंग्रेज ने तो ठीक है फांसी दे दिया ना, लेकिन फांसी देने के पीछे कारण क्या गया? ऐसा कारण आ गया, बाद में इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलता है, मुकदमा चलता है कि अब तुम तो खूनी हो। तो भगत सिंह की दूसरी खासियत क्या थी कि वो राजगोपाल, राजगुरु और सुखदेव, ये सबका कोर्ट केस जो है ना वो दूसरे वकील ने लड़ा। अभी जब भगत सिंह से पूछा तो इन्होंने अपना कोर्ट केस खुद लड़ा है और उन्होंने बताया है कि मैं क्यों निर्दोष हूं, और ये बताया कि अगर सजा देनी है तो पहले इनको दो ना, सजा देनी है तो हमने मारा उसको सैंडर्स को, तो पहले तुम लाला लाजपत राय को मारने वाले स्कॉट को तो तुम सजा दो, अगर तुम सजा उसको नहीं दे रहे हो तो तुम हमको सजा देने वाले कौन हो। तो जबरदस्त आर्ग्यूमेंट इन्होंने किया, इसके कारण वो पूरे दुनिया में फेमस हुए। और बाद में तो ऐसा हो गया कि जब वो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती थी तो उसके बाहर भारी भीड़ लग जाती थी और दूसरे दिन अंग्रेज और जज को सब भूल जाते थे, केवल किन की फोटो छपती थी? तो ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये क्रांतिकारियों की फोटो छपती थी। फिर इनको फांसी देने का निश्चय कर लिया। अभी जब ये जेल में थे ना, तीनों ने दूसरा एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया था। जेल के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती थी, वो एक पॉलिटिकल कैदी होते थे ना, राजकीय, कांग्रेस वगैरह से जो गए रहते थे वो, दूसरे जो गुंडे मावाली डकैत रहते थे उनको अलग होता था। अभी ये क्रांतिकारियों को क्या करते थे, वो जो डकैतों की कैटेगरी होती थी ना, गुंडे मावाली और डकैत होते थे, उनकी कैटेगरी का ट्रीटमेंट देते थे जेल में। આર્મી મેનના જણાવ્યા અનુસાર દેશને આઝાદ કરાવેલ શહીદો પણ સૈનિકો જ હતા અને આજે દેશ ઉપર આંખ ઉઠાવી ન જોઈ શકે તે માટે હાલ સરહદ પર પણ સૈનિકો જ છે। મુકેશ રાજપૂતનો રિપોર્ટ, કામરેજ।